15.4 of your elements of maths. Okay, today we are going to discuss the remaining questions of exercise 15.4 of probability from the elements of maths. बेटा क्वेश्चन नंबर 16 तक जो क्वेश्चंस थे वो हमने कल क्लास में डिस्कस किए थे. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 17. बहुत ध्यान से समझिएगा आज वाले क्वेश्चंस को. टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं. छोटी छोटी बातों में मिस्टेक्स होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं. ठीक है, सो बिफोर आई बिगिन लेट मी जूम आउट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर 17 इज टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग विच कंटेन्स 3 white, 3 red, 4 green and 4 black balls. एक बैग है और उस बैग में से टू बॉल्स को निकाला है. ठीक है, कैसे निकाला? रेंडमली निकाला. उस बैग की कंपोजिशन है देर आर 3 white balls, 3 red balls, 4 green balls and 4 black balls. ठीक है, इस बैग में से हमने कितनी बॉल्स को ड्रॉ किया? टू बॉल्स को. कैसे किया? वन बाय वन ड्रॉ किया विद रिप्लेसमेंट किया. तो वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट हमने टू बॉल्स को ड्रॉ किया है. नाउ द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है ऑफ द इवेंट दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ different color. We want the probability of the event that the two balls given to us are of different color. जो दो balls आएंगी वो दोनों कैसे colors के आएंगी? Different colors के आएंगी. Now let us discuss the composition of the bag first. Bag का composition देखो तो 14 balls हैं total, जिसमें से white हैं 3, 3 white हैं, 3 red हैं, 4 green हैं, 4 black हैं. और टोटल बॉल्स हैं 14. आप कंपोजिशन देखिए, चार चार कलर कॉम्बिनेशंस आपको दे दिए. व्हाइट भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है. और क्वेश्चन है कि दो बॉल्स को ड्रॉ करना है विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ करना है. और जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग द बॉल्स मस्ट बी ऑफ डिफरेंट कलर. डिफरेंट कलर की बॉल आनी चाहिए. अब डिफरेंट कलर के अगर हम कॉम्बिनेशन बनाने बैठे ना तो बड़ा मुश्किल होने वाली है हमारे लिए. क्योंकि क्या होगा, कॉम्बिनेशन तो व्हाइट रेड भी हो सकता है. व्हाइट रेड है तो रेड व्हाइट भी हो सकता है. ये क्यों वेरी करेगा व्हाइट रेड और रेड व्हाइट? क्योंकि बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली गई हैं. और क्योंकि क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का है, इसका मतलब ये हो गया कि विदाउट रिप्लेसमेंट में तो ये मैटर करेगा कि पहले कौन से कलर की बॉल आई और बाद में कौन से कलर की बॉल आई. फिर सिर्फ व्हाइट और रेड ही नहीं है, व्हाइट रेड के साथ रेड ग्रीन भी हो सकता है, वो रेड ब्लू भी हो सकता, ब्लैक भी हो सकता है, वो ब्लैक ग्रीन भी हो सकता है. ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनाओगे आप लोग? आपके पास 4 डिफरेंट कलर्स हैं, 4 कलर्स में 4C2 कॉम्बिनेशंस बनते हैं. और 4C2 की वैल्यू हमें पता है 6. तो 6 डिफरेंट पेयर्स बनने की पॉसिबिलिटी होगी यहाँ. अब वो 6 बनेंगे व्हाइट रेड, व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ब्लू, रेड ग्रीन, रेड ब्लू, ग्रीन ब्लू या ब्लैक, जो भी है, मतलब ग्रीन ब्लैक. ऐसे करके अगर हम निकालेंगे ना बेटा, तो फिर तो 6 केस तो इसके बनाए और 6 केस इसके रिवर्स वाले बनाए, तो बड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन. तो ऐसे केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक और टेक्निक यहाँ एडॉप्ट करने वाले हैं. एंड दैट टेक्निक इज सिंस द कंपोजिशन ऑफ बैग is of this way and we have drawn two balls one by one without replacement, so the probability required will be 1 minus probability that both the balls are of same color. ek bar main repeat kar rahi hu kyunki beech mein jo hai ek line maine abhi skip ki. dekho hame probability chahiye is baat ki ki dono balls different color ki aaye. theek hai, hame different colors chahiye. तो अगर कलर्स डिफरेंट आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि सेम कलर नहीं आएंगे. अब आप जब भी दो बॉल्स बैग में से निकालोगे, या तो दोनों बॉल सेम कलर की होंगी या दोनों बॉल डिफरेंट कलर्स की होंगी. केस तो दो ही बनते हैं ना.
दो केस बनते हैं, डिफरेंट कलर वाला केस बनता है या सेम कलर वाला केस बनता है। हमसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, और डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन बनाने बैठे ना तो 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनके रिवर्स पार्ट भी हमें लेने पड़ेंगे क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, और विदाउट रिप्लेसमेंट में फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं कि पहले क्या और बाद में क्या। इस वजह से क्या होगा कि हमें टोटल 12 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, तो वो काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ दो ही पॉसिबल केसेस हैं कि बॉल या तो डिफरेंट कलर की आएगी या फिर बॉल सेम कलर की आएगी। तो हमने क्या किया कि बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम 1 में से माइनस कर दें इस बात की प्रोबेबिलिटी को कि बोथ द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, कि दोनों बॉल्स एक जैसे रंग की हैं, मतलब पहली भी व्हाइट है दूसरी भी व्हाइट है, पहली भी ग्रीन है दूसरी भी ग्रीन है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल द बॉल्स आर ऑफ बोथ द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। अगर हम ये चीज ले लेते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। अब जब बॉल सेम कलर की है तो 1 और माइनस को तो चलने दो, ये जो चीज है ना कि दोनों बॉल्स एक ही कलर की आएंगी, इसका मतलब ये हुआ कि वी आर गेटिंग आइदर 2 व्हाइट बॉल्स और वी आर गेटिंग 2 रेड बॉल्स और वी आर गेटिंग 2 ग्रीन बॉल्स और वी आर गेटिंग 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, या तो 2 व्हाइट आएंगी या 2 रेड आएंगी या 2 ग्रीन आएंगी या 2 ब्लैक आएंगी, 4 तरह के रंग थे। आप सेम कलर की बॉल्स निकाल रहे हो तो सेम कलर का मतलब दोनों व्हाइट और दोनों रेड और दोनों ही ग्रीन या फिर दोनों ही ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अब 2 व्हाइट को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस 2 व्हाइट बॉल्स एज W1 W2, 2 रेड बॉल्स एज R1 R2, 2 ग्रीन बॉल्स एज G1 G2 एंड 2 ब्लैक बॉल्स एज B1 B2। यहां पर ये जो 1 2 3 4 है ना, इसका मतलब क्या हुआ पहले तो इसको समझो। यहाँ 1 का मतलब है द बॉल ऑब्टेंड इन फर्स्ट ड्रॉ, और 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ 2 का मतलब हो गया द बॉल ऑब्टेंड इन सेकेंड ड्रॉ विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन, पहले को रिप्लेस किए बिना दूसरी बॉल निकालना। तो जो 1 का सबस्क्रिप्ट है वो फर्स्ट बॉल को शो कर रहा है, फर्स्ट ड्रॉ को शो कर रहा है, और जो 2 का सबस्क्रिप्ट है वो सेकेंड उसको शो कर रहा है, सेकेंड ड्रॉ को शो कर रहा है। W R G B ये बॉल्स के कलर्स हो गए, कलर्स को शो कर रहे हैं। अब हमें जो निकालना है वो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हाइट, 2 व्हाइट का मतलब W1 W2, देन 2 रेड मतलब R1 R2, 2 ग्रीन मतलब G1 G2, और फिर 2 ब्लैक का मतलब हो गया B1 B2। हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब इस प्रोबेबिलिटी को लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट देम 1 by 1, एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले आप देखो जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 W2 कैसे निकालेंगे, दोनों बॉल्स व्हाइट हैं। आप देखिए केस था रिप्लेसमेंट नहीं की गई, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, और जहां विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होता है, जहां रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता है, वहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं, क्योंकि पहले ड्रॉ का रिजल्ट दूसरे ड्रॉ के रिजल्ट को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, इस वजह से यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज यूज होंगी। तो जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 W2 निकालोगे ना, तो इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 विद रिस्पेक्ट टू W1। तो W1 W2 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, W1 की प्रोबेबिलिटी और फिर W2 की प्रोबेबिलिटी, जबकि W1 इवेंट पहले हो चुका है। अब आप देखो जरा फर्स्ट व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टोटल बॉल्स थी 14 और उन 14 बॉल्स में व्हाइट कलर की बॉल्स थी 3, 14 में 3 व्हाइट बॉल्स प्रेजेंट थी, इस वजह से फर्स्ट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/14।
14 बॉल में से 3 बॉल व्हाइट कलर की है, तो फर्स्ट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/14, 3 व्हाइट बॉल्स में से कोई एक और 14 टोटल बॉल्स में से कोई एक, तो 3/14, तो ऑब्वियसली सेकेंड व्हाइट की क्या हो जाएगी, 3 की जगह 2 आ गया, 14 की जगह 13 आ गया, ठीक है, एक एक बॉल कम हो गई ना, पहली बॉल व्हाइट कलर की थी इसलिए व्हाइट में से भी एक कम हो गया, टोटल में से भी एक कम हो गया, तो ये हुआ 2/13। अब 3/14 × 2/13 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आता है 6/182। तो इसका मतलब 2 व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी आ गई 6/182। बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट R1 R2 पर भी अप्लाई होगा। जब आप 2 रेड बॉल्स निकाल रहे हो, यानी फर्स्ट रेड बॉल और फिर सेकेंड रेड बॉल, when you are taking 2 red balls, then the same concept will apply here also, because the number of balls is again 3. 3 red balls have been given to you out of 14. 14 ball hain, 14 mein se red color ki 3 ball hain. To iska matlab jab aap R1, R2 ki probability lenge, then it will be equal to probability of R1 into conditional probability of R2. वही एक कंसेप्ट सभी केसेस में लगेगा, बिकॉज रिप्लेसमेंट हैज नॉट बीन डन, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं किया गया है। तो 3 रेड बॉल्स है, सो फर्स्ट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/14 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड रेड बॉल इज 2/14, सो द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स इज 3/14 × 2/13, दैट इज 6/182। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 G2 B1 B2। अब जब G1 G2 और B1 B2 की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे ना, तो G1 G2 की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ग्रीन। अब ग्रीन बॉल्स का नंबर था 4, क्योंकि ग्रीन बॉल्स का नंबर 4 है इसलिए फर्स्ट ग्रीन बॉल 4/14, सेकेंड ग्रीन बॉल 3/13, दोनों जगह एक एक कम हो गया, दोनों जगह एक एक कम हो गया, तो 4 की जगह 3, 14 की जगह 13 और मल्टीप्लाई करके आपके पास आया 12/182। ठीक है, प्रोडक्ट वही चल रहा है, इसीलिए हम कोई कैंसलेशन नहीं कर रहे हैं, ताकि एक बार मल्टीप्लाई कर लें तो वो प्रोडक्ट बार बार काम आता रहे, और यही चीज जो है वो 2 ब्लैक बॉल्स में भी काम देगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग B1 B2 फर्स्ट ब्लैक एंड देन सेकेंड ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 फर्स्ट ब्लैक इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ब्लैक, ये भी 12/182 आएगा, बिकॉज ब्लैक बॉल्स का नंबर भी कितना है, 4 है। ठीक है, अब चारों प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आ गई, आप लोग देख सकते हो 4 प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली थी, वो 4 प्रोबेबिलिटीज कौन सी थी, व्हाइट की 6/182, दोनों रेड 6/182, दोनों ग्रीन 12/182 और दोनों ब्लैक 12/182। इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, किस फॉर्मूले में रख देंगे हम इन वैल्यूज को, वी आर गोइंग टू प्लेस दीज बेटा, लेट अस डिस्कस द थिंग्स अगेन। वी हैव कैलकुलेटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 W2 R1 R2 G1 G2 B1 B2, ये चारों प्रोबेबिलिटीज आ गई ना हमारे पास, इन चारों वैल्यूज को उठाकर हमने इनका टोटल ले लिया और इनका टोटल हमारे पास आया 36/182। 6/182 + 6/182 + 12/182 + 12/182 that is 36/182 which is 18/91। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है कि ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग both the balls of
सेम कलर की बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है 36/182, दैट इज 18/91। अब जब सेम कलर की बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी 18/91 आती है, तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए, उसको तो हमें वन में से माइनस करना था ना। आपको ऊपर मैंने इक्वेशन वन में बताया था कि सेम कलर की बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी को वन में से माइनस कर दें तो डिफरेंट कलर की बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर शुड बी 1-18/91 विच इज इक्वल टू 73/91। ठीक है, ये जो ऊपर आपका क्वेश्चन था ना, यहाँ इस इक्वेशन में ये जो आपको दिया गया था ऊपर, ये जो एक्सप्रेशन था इक्वेशन नंबर वन, इसमें हमने इस ब्रैकेट की वैल्यू को पुट कर दिया, तो 1-18/91 था, तो वो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 73/91, और यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद जो है, लेट अस नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो हमारा आज अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट है, पहले तो स्टेटमेंट को ही ध्यान से समझिए। द क्वेश्चन सेज इन ए हॉकी मैच बोथ टीम्स ए एंड बी स्कोर्ड सेम नंबर ऑफ गोल्स अप टू द एंड ऑफ गेम। गेम के एंड तक दो टीम थी और दोनों टीम ने जो स्कोर बनाया ना, वो स्कोर कैसा था, दोनों टीम्स का स्कोर एक जैसा था। ए एंड बी बोथ टीम्स स्कोर्ड सेम नंबर ऑफ गोल्स अप टू द एंड ऑफ गेम। सो टू डिसाइड द विनर द रेफरी आस्क्ड बोथ द कैप्टन्स टू थ्रो अ डाई अल्टरनेटली एंड डिसाइडेड दैट द टीम whose captain gets a six first will be declared the winner. तो रेफरी ने क्या डिसीजन लिया, उसने दोनों के कैप्टन्स को बुलाया, उन्हें एक डाई दे दी और उन्हें कहा कि आप इस डाई को थ्रो करो अल्टरनेटली। अल्टरनेटली थ्रो करो मतलब पहले तो टीम ए का कैप्टन थ्रो करेगा, फिर बी का कैप्टन थ्रो करेगा, फिर ए का करेगा, फिर बी का करेगा, उसको थ्रो करते चलो और जिस टीम के कैप्टन को पहले सिक्स मिलेगा वो विनर हो जाएगा। This was the decision of referee. ठीक है, referee ने क्या decision लिया, referee ने decision ये लिया कि जिस team के captain का पहली बार six आएगा उसे winner declare किया जाएगा। Captain of team A was asked to start. Team A के captain को कहा गया जी पहले आप शुरू करो। ठीक है, team A के captain ने शुरुआत की, तो व्हाट इज देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग द मैच, मैच जीतने की उनकी प्रोबेबिलिटीज बताओ। ठीक है, अब देखो मैच तो था हॉकी का, दोनों टीम्स गोल करती गई, टीम मैच खत्म होने के टाइम तक दोनों टीम्स ने बराबर बराबर गोल बनाए थे। मान लो छह गोल पहली टीम ने बनाए, छह ही गोल दूसरी टीम ने बनाए, तो ये तो ड्रॉ होने वाली पोजिशन हो गई ना। ये तो डिसाइड हुआ ही नहीं कि ए विनर है या बी विनर है। ठीक है, अब गेम तो खत्म होने वाला था, टाइम ओवर हो गया था, तो रेफरी साहब ने क्या डिसीजन लिया कि एक डाई ले आए वो और ना कैप्टन्स को बुला के कहा कि इस डाई को थ्रो करो अल्टरनेटली एक एक करके। ठीक है, शुरुआत कौन करेगा, ए का कैप्टन करेगा, टीम ए का कैप्टन शुरू करेगा, डाई फेंकेंगे, डाई पर जो सबसे पहले सिक्स लेके आएगा वो जीतेगा। मतलब टीम ए के कैप्टन का सिक्स पहले आया तो ए वाला विनर, और बी वाले का सिक्स पहले आया तो बी वाला विनर। वैसे तो देखा जाए तो अनफेयर केस है, मतलब कहां हॉकी का मैच और कहां लूडो की तरह डाई थ्रो करना, दोनों केसेस बिल्कुल अपोजिट हैं। लेकिन रेफरी साहब का डिसीजन यही था कि डाई थ्रो करो और जिसका सिक्स आएगा, यानी जिसका लक अच्छा होगा ना, जिसे सिक्स मिलेगा वो जीत जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग द मैच, तो ए और बी के कैप्टन्स की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। वैसे अगर हम कॉमन सेंस की बात यूज करें ना, तो जो पहले थ्रो करेगा ना उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी और जो बाद में थ्रो करेगा उसकी कम आएगी। ये कॉमन सेंस यहाँ क्यों अप्लाई कर रही है, अभी पहले मौका दिया ए वाले को, ए वाले ने थ्रो किया, अगर पहली बार में सिक्स आ गया तो ए वाला जीत गया, बी वाले को तो चांस ही नहीं मिला थ्रो करने का, तो ए वाले के फेवर में चला गया मैच इस हिसाब से तो टोटल।
चलो जो भी रेफरी का डिसीजन था, एज पर द डिसीजन ऑफ रेफरी द रिजल्ट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑब्टेंड ऑन अ डाई. जो रिजल्ट डिसाइड होगा वो डाई पर आने वाले नंबर के हिसाब से डिसाइड होगा. और सक्सेस की क्या डेफिनेशन उन्होंने दे दी, उन्होंने कह दिया सक्सेस मिलेगी यानी ट्रॉफी मिलेगी, यानी मैच जीतोगे अगर सिक्स आता है. तो सक्सेस का मतलब यहाँ पर क्या है, गेटिंग अ सिक्स ऑन अ डाई. और फिर फेलियर का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली नॉट गेटिंग अ सिक्स, की सिक्स नहीं आएगा. अब हम यहाँ पर अजम्पशन ले लेते हैं. हमारा जो अजम्पशन है, लेट मी टेक द अजम्पशन दैट सक्सेस मीन्स गेटिंग अ सिक्स ऑन द डाई. डाई पर सिक्स का आना, ठीक है, डाई पर सिक्स का आना, ये सक्सेस की डेफिनेशन है एज पर रेफरी. और सिक्स का नहीं आना ये फेलियर की डेफिनेशन है, ये भी रेफरी साहब का डिसीजन है. अब मान लो हमने अजम्पशन ले ली कि ई इवेंट है कि सिक्स विल बी ऑब्टेंड, कि सिक्स आएगा. और मैंने मान लिया कि एफ इवेंट है कि सिक्स नहीं आएगा. तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6, क्योंकि डाई पर सिक्स आउटकम्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिनमें से सिक्स नंबर का आउटकम एक ही होता है, इसलिए सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, 1/6 बनती है. और सिक्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1 में से 1/6 को माइनस कर दो तो वो आ गई 5/6. तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/6. यहां पर जो हमने इवेंट्स लिए, ध्यान दीजिएगा, E मतलब 6 आएगा और F मतलब 6 नहीं आएगा, ठीक है. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट थिंग. अब जो हमारा क्वेश्चन है, हमें प्रोबेबिलिटी तो इस बात की निकालनी थी ना कि ए गेम को विन करेगा. वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन द गेम. तो अब ए जो है, ए को कौन कौन सा चांस मिला, ए को एक तो फर्स्ट चांस मिला, सेकंड चांस तो बी को मिला, फिर ए को थर्ड चांस मिला, फोर्थ चांस बी के हिस्से गया, फिर ए को मिला फिफ्थ चांस, ठीक है. तो ए को मिल रहे हैं ऑड नंबर ऑफ चांसेस और बी को मिल रहा है इवन नंबर चांस का, ठीक है. और क्वेश्चन क्या है कि हम ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. क्योंकि हम ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इसलिए हमें ए को ही जिताना है यहाँ. मतलब हमें सिर्फ वो केसेस लेकर चलने हैं जिनमें ए जीतेगा और बी हारेगा, तो वही केसेस लेने हैं. अब देखो, ए ने शुरुआत की, यानी सबसे पहला थ्रो किसने किया, ए ने किया. अगर पहली बार में ही सिक्स आ गया, यानी इवेंट ई सिक्स आना जो है वो हो गया, तो ए जीत जाएगा, आगे गेम चलेगा ही नहीं. अब मान लो पहली बार में सिक्स नहीं आया, यानी फेलियर हो गया, तो दूसरी बार में भी नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, हमें बी को थोड़ी जिताना है, हमें तो ए को ही जिताना है. ए के चांसेस हैं पहले तो फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सेवेंथ, इस तरह से चल रहे हैं. तो इसका मतलब ई इवेंट की अकरेंस, सिक्स के आने की अकरेंस को, इवेंट ई के आने को हम या तो फर्स्ट नंबर पे कंसिडर करेंगे, या थर्ड पे करेंगे, या फिफ्थ पे करेंगे, या इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे. तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो ए पहली बार में जीत गया. अगर ए पहली बार में नहीं जीतता है तो ए हार गया, फिर बी हार गया, फिर ए जीतेगा. मतलब क्या है कि ए तीसरी बार में जीतेगा. अब मान लो फर्स्ट टाइम में भी ए का नहीं आया, दूसरी बार में बी का नहीं आया, तीसरी बार में ए का नहीं आया, तो चौथी बार में बी का नहीं आया, चारों जगह एफ है, फिर पांचवी बार में ई आएगा, यानी ए जीत जाएगा. ऐसे करते करते ये केसेस कहां तक चलेंगे, द केसेस विल कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी, ठीक है. मतलब क्या है कि ए पहली बार में जीत जाएगा, नहीं तो तीसरी बार में जीतेगा, नहीं तो पांचवी बार में जीतेगा, और इस तरीके से ये चीज बढ़ती चली जाएगी. अब यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं हम, और जो होता है वो प्लस पर जाता है. तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और का मतलब प्लस, एफ एफ ई का मतलब एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी ई की प्रोबेबिलिटी, फिर से और का मतलब प्लस, फिर एफ 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 एफ, चार बार एफ है,
चार बार एफ मीन्स पी एफ पी एफ पी एफ पी एफ और फिर पांचवी बार में ई, तो एक ये प्रोडक्ट आ गया। तो पहले में एक, दूसरी बार में तीन, तीसरी बार में पांच, ऐसे केसेस आते जाएंगे एंड दे विल गो अप टू इंफिनिटी। अब ई की प्रोबेबिलिटी क्या थी? ई की प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी कितनी, देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थी 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी थी? ई की प्रोबेबिलिटी 1/6, एफ की प्रोबेबिलिटी 5/6। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम पुट अप कर देते हैं। तो इन वैल्यूज को जब आप पुट अप करोगे, तो इन वैल्यूज को पुट अप करने पर क्या आएगा आपके पास? रख दो जरा वैल्यूज को, तो ये आएगा 1/6, 1/6 के बाद 5/6 आएगा दो बार, क्योंकि दो बार f है, फिर 1/6। अब f है 1, 2, 3, 4, चार बार f चल रहा है, इसलिए 5/6 चार बार, फिर 1/6 अप टू इंफिनिटी। इस हिसाब से देखें तो ये आया 1/6, फिर 1/6 के साथ बन गया 5/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5/6 दो बार है। अब 1/6 के साथ 5/6 की पावर आएगी 4, तो 1/6 इंटू 5/6 की पावर 4, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो अप टू इंफिनिटी कंटिन्यू हो जाएगा। अब आप अगर देखो तो ये जो सीक्वेंस आई ना, ये सीक्वेंस है एक इनफाइनाइट जीपी, ये एक इनफाइनाइट जीपी का सम है जिसकी फर्स्ट टर्म 1/6 बनती है और कॉमन रेशियो 5/6 का स्क्वायर यानी 25/36 आता है। तो फर्स्ट टर्म 1/6 और कॉमन रेशियो हो गया 5/6 का स्क्वायर यानी कि 25/36। ठीक है, नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वैल्यू पुट करो, तो व्हाट शैल बी द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी? इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 - r, पिछले साल सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर में था। तो सिंस द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज a अपॉन 1 - r, हमने दोनों वैल्यूज रख दी, a की भी रख दी, r की भी रख दी, तो ये आया 1/6 डिवाइडेड बाय 11/36। सो 1/6 इंटू 36/11 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 6/11। तो a के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 6/11। अब 6/11 तो प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि ए इस गेम को जीतेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/11। अब हमें चाहिए बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी। नाउ देयर आर ओनली टू टीम्स, दो ही तो टीम दिए हैं आपको और दो टीम्स हैं जिनमें से एक का जीतना जरूरी है। दो में से एक कोई तो जीतेगा, किसी का तो सिक्स आएगा ही, दोनों एक एक करके डालते जा रहे हैं, कभी ना कभी तो सिक्स मिलेगा। इसका मतलब ए और बी में से कोई एक तो जीतेगा। ठीक है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 में से घटा दो, टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 ही होती है। 1 में से ए के जीतने का चांस 6/11, तो बी के जीतने का चांस क्या हो गया? 5/11। तब आप खुद देख सकते हैं ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बी से ज्यादा है, 6/11 5/11 से बड़ा होता है, इसलिए पूरा का पूरा गेम जो है वो किसके फेवर में चला गया? ए के फेवर में चला गया। तो कई बार ना पेपर में पूछ लिया जाता है कि वॉज द डिसीजन ऑफ रेफरी करेक्ट और फेयर, क्या रेफरी का डिसीजन फेयर या करेक्ट था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रेफरी ने जो डिसीजन लिया ना, उस डिसीजन के हिसाब से तो गेम ए के फेवर में ज्यादा हो गया, बी के फेवर में कम हो गया, इसलिए रेफरी का ये डिसीजन बिल्कुल गलत था। ऐसा पूछा जाता है तो आप ये आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब आज की क्लास जो है वो जस्ट ओवर होने वाली है।